कहानी चीफ की दावत, लेखक भीष्म साहनी, वाचन स्वर अल्पना वर्मा। और आप इसे मेरे YouTube चैनल अल्पना वर्मा 2 पर देख रहे हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त यानी लिस्ट हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते-बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी यानी पूरी होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने अचानक एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, मां का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम वाम सब निपटा लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती जी बोल उठी, जो वह सो गई तो नींद में खराटे लेने लगी तो? साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजे को बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या मां से कह देता हूं कि अंदर जाके सो जाएं। नहीं नहीं, बैठी रहें, और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते हो। ड्रिंक पार्टी 11-11 बजे तक चलती है, तो डिनर का कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जाके खड़े हो गए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे से मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए, यानी सब अच्छे से निपट जाए, सब अच्छे से हो जाए। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, बेटे ने माँ से कहा, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, यानी जो लिविंग रूम है उसमें बैठेंगे, बेटा कह रहा है माँ से, और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, और माँ आज जल्दी नहीं सोना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की तो बात है नहीं, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो वह सोचने लगा, 8-10 मेहमान तो होंगे और देसी अफसर, उनकी स्त्रियां भी होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है।
क्षोभ और क्रोध में यानी गुस्से में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। तो माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊं पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर शामना सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे, माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरे में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ जरा देखो तो। माँ धीरे से उठी, अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की होंठ में छिप पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, बेटे ने कहा, चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वुड़ियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। अब माँ ने कहा, चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा, तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है, नहीं है जेवर बस, इसे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उसे दुगना ले लेना। माँ है अब बोलती है कि मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे, अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कप की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत देते हुए बोले कि माँ रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठे रहना, अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। माँ ने कहा, मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना मान पढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7:00 बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वे घबरा उठती हैं, यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े अपनी सहेली विधवा सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी, चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए, यानी पीना पिलाना बढ़िया हो जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में ग्लास भरे जा रहे थे, कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कहीं कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की पसंद आई थी और मेम साहब को तो पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे, और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत हुई कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उनकी पुरानी सहेली हो।
और इसी रौ में पीते बिलाते रात के 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक के बाहर चले गए। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए और पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिटक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गईं। घबरा गए वे। क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे। सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे होते थे, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो फिर सिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे, गुस्सा हो गए। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, जहाँ वो छोटा सा कमरा उनको दिया था, माँ का जो कमरा था उसमें उनको धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान पास में ही खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, ओ पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर वह ऐसी घबराएं कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, बेटे ने कहा। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई सी नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। श्यामनाथ इस पर और भी ज्यादा खिन्न उठा। इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा गई। श्यामनाथ बोला, माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही, बायां मीन्स लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। श्यामनाथ ने कहा, यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ, राइट हैंड दायां हाथ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। श्यामनाथ ने माँ से कहा, कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती हैं मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाती हुई बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कह कहा उठा। सब हंसने लगे। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं, अपने साहब से कह रहे हैं श्यामनाथ। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटक की बांधे देखने लगे। माँ, अब माँ से श्यामनाथ कह रहे, माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। श्यामनाथ कहता है, वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीस से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। माँ कहती है, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। अब श्यामनाथ बार बार माँ को कह रहा है कि गाना सुना दो। चीफ ने कहा है तो
देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती हैं, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ, इसके बाद हाँ या ना का तो सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी बहने, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। माँ ने पार्टी में एक नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव में दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे, बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेज हैं फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज की चीज नहीं मांगता, पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। श्यामनाथ को सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? साहब बोले। श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, माँ क्यों, कोई फुलकारी, पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठाकर ले आए। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी दिखाने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देंगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसे ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ बोले, साहब को बोलते हैं, अब वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर बहुत खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी सब मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती और बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की और बार बार आंखें बंद की। मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने ही नहीं आते थे। माँ इतनी भावुक थी, इतनी भाव विभोर हो गई थी। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर में भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाजें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। ये कौन था? श्यामनाथ। श्यामनाथ ने कहा, माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ के हड़बड़ाकर उठी, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है? माँ कितनी देर से अपने को कोस रही थी कि उन्हें क्यों नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए। खुश था श्यामनाथ और माँ को आलिंगन में भर लिया। हो अम्मी, आज तो तुमने रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहजा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर यानी माथे पर फिर से तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हटाई। बोलते हैं, क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? फिर से शुरू हो गई। श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा और बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि माँ को बेटा अपने पास नहीं रख सकता? माँ कहती है, नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो, मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी, जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं भगवान का नाम लूँगी,
तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। ओह, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है, श्यामनाथ ने कहा। माँ कहती है, मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी, तरक्की यानी प्रमोशन। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ ऐसा कहा? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं फुलकारी। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा चेहरा खिलने लगा, आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। मतलब उनका मन प्रसन्नता से भर उठा कि बेटे की तरक्की होगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा? श्यामनाथ कहते हैं, तरक्की यूं ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े ही हैं, मतलब और भी हैं जो खिदमत करते हैं। अच्छा, माँ कहती है, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में अपने बेटे के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करने लगी। मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं, अब सो जाओ माँ, और तनिक लड़खड़ाते हुए यह कहकर वे अपने कमरे की ओर घूम गए। तो यह थी कहानी चीफ की दावत।